नमस्कार सुप्रभात गुड मॉर्निंग बिहार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद, मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से आज कराएंगे रूबरू, चाहे वह बात सरकार की हो या जनता की सरोकार की, हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आज 27 जनवरी 2021 है, बिहार समाचार में बिहार की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले कैरियर समाचार। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 जनवरी से शुरू हुए थे। इन पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 3 फरवरी 2021 है। आपको बता दें कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंजीनियरिंग ट्रेनी और टेक्नीशियन पदों पर भर्ती की जा रही है। ये भर्ती परमानेंट बेसिस पर की जा रही है। इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं टेक्नीशियन भी पोस्ट के लिए ITI पास या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट कोर्स हो। कुल 52 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 22/1/2021, आवेदन की अंतिम तिथि 3/2/2021 है। आयु सीमा 28 साल, आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट है। आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। वेतनमान की बात कर ले तो शुरुआत में सभी को 6 महीने तक का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिस दौरान उन्हें ₹10,000 स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे। पूरा प्रशिक्षण सफल करने के बाद उन्हें रेगुलर पे स्केल में लिया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में पटना समेत इन 7 जिलों की सेना बहाली का शेड्यूल हुआ जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में पहली बार दानापुर ARO के अधीन आने वाले 7 जिलों के लिए 11 से 28 फरवरी तक सेना बहाली की प्रक्रिया होगी। इसके लिए सेना मुख्यालय ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें सोल्जर, GD, टेक्निकल क्लर्क, SKT, नर्सिंग सहायक और ट्रेड्समैन की श्रेणी में बहाली प्रक्रिया होगी। इसमें बक्सर, पटना, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली जिले के 88,500 से अधिक युवक शामिल होंगे। शारीरिक दस्ता की जांच के बाद मेडिकल जांच होगी। सुबह 2 बजे से बहाली के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश कराया जाएगा। बिहार में शीतलहर का कहर जारी, घने कोहरे ने बढ़ाई कनकनी, तापमान लुढ़कने से लोगों की बड़ी परेशानी। बिहार में शीतलहर का कहर जारी है, तापमान लुढ़कने के साथ ही एक बार फिर राज्य के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सोमवार रात से ही हवा चलने से कनकनी बढ़ गई थी, यही स्थिति सुबह भी रही। इधर कुहासे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी रही, दिन भर धूप के दर्शन नहीं हुए, जिससे ठंड का असर बढ़ता रहा। शाम होते होते एक बार फिर शीतलहर शुरू हो गई, फिर कोहरे का ऐसा कर रहा कि पास की वस्तु भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। इधर कपकपाती ठंड से बचने के लिए लोग परेशान रहे। राजधानी पटना समेत लगभग सभी जिलों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इससे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग अलाव के सहारे ठंड बिताने दिख रहे हैं। ठंड बढ़ने से खासकर बच्चे और बूढ़ों की परेशानी हो रही है। 28 तारीख का जतरा भी न निकल जाए, नीतीश कैबिनेट विस्तार में जदयू के 3 मामले सुलझाने बाकी। बीजेपी नेता पटना दिल्ली कर रहे हैं, विस्तार की तारीख मीडिया में आती रही, फिर जदयू का कहना पड़ा रुकिए। 27 तारीख आ गई, 28 जनवरी को विस्तार की संभावना पर अब भी सवाल। आज 27 जनवरी है, इस महीने को खत्म होने में महज 4 दिन बचे हैं। अभी तक नीतीश कैबिनेट के विस्तार पर लगा ग्रहण हटता नहीं दिख रहा है। तारीख दर तारीख और फिर जदयू की ओर से ही कही जा रही है कि रुकिए, बीजेपी का इंतजार है, आखिर विस्तार में देरी क्यों हो रही है। इसे समझने के लिए आपको बिहार की राजनीति को थोड़ा समझने की जरूरत है। दरअसल जदयू मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बीजेपी से अपने सभी मसलों को सुलझा लेना चाहता है, इसलिए कि पार्टी अभी NDA में कमजोर है, आगे खामियाजा ना उठाना पड़े। इसलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल राज्यपाल कोटे के MLC मनोनयन के साथ आएगा। बोर्ड निगम का बंटवारा पहले चाहता है, यही वजह है कि बिहार कैबिनेट विस्तार की तारीख बढ़ती जा रही है। अब तक 28 जनवरी की तारीख आ रही थी, अब कहा जा रहा है कि 31 जनवरी तक कभी भी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। अब अपने जिले में ही ले जमीन का नक्शा, पहले सिर्फ पटना के गुलजारबाग प्रेस में मिलता था, राज्य के बाहर मुंबई और दिल्ली में भी ले सकते हैं बिहार का नक्शा। 150 रुपये प्रति सीट देकर प्राप्त कर सकते हैं जमीन का नक्शा, किसी अन्य जिले का नक्शा अपने यहाँ के सदर अंचल में लेने की भी सुविधा। बिहार के 34 जिलों के सदर अंचल में आप 150 रुपये प्रति सीट देकर जमीन का नक्शा प्राप्त कर सकते हैं। पहले पूरे बिहार में जमीन का नक्शा सिर्फ पटना के गुलजारबाग प्रेस में मिलता था, इसमें 2-3 महीने का समय लगता था, अब वह दिक्कत नहीं है। राज्य सरकार ने सभी नक्शों को
डिजिटलाइज कर दिया है और हर जिले में सॉफ्ट कॉपी भी दे दी जा चुकी है। हालांकि राज्य के आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास जिले में यह व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है। 34 जिलों के सदर अंचल में फ्लाइट मशीन, बड़ी प्रिंटर मशीन से प्रिंट करके यह नक्शा दिया जा रहा है। एक जिले का नक्शा दूसरे जिले से भी प्राप्त किया जा सकता है। बिहार से बाहर दो स्थानों पर बिहार से जुड़े नक्शे लेने की व्यवस्था की गई है। पहला कुर्ला बांद्रा मुंबई में और दूसरा बिहार भवन दिल्ली से। इन दोनों स्थानों पर फ्लाइटर मशीन लगाई गई है। इधर बता दें कि इसके बावजूद कई जिलों में से यह शिकायत मिल रही है कि निजी स्तर पर भी लोग नक्शा बेच रहे हैं। इस तरह के नक्शा बेचना गैरकानूनी है। वोटर आईडी कार्ड के लिए अब नहीं लगाना पड़ेगा निर्वाचन कार्यालय का चक्कर। मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं वोटर आईडी कार्ड। यदि आप अपना मतदाता पहचान पत्र लेना चाहते हैं तो अब बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। लोग मोबाइल पर ही मतदाता पहचान पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए वोटर कार्ड का ईपिक नंबर रहना जरूरी है। मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड करने के पहले संबंधित व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर ओटीपी का मैसेज आएगा। भारत के निर्वाचन आयोग ने लोगों की सुविधा के लिए ई वोटर पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। हालांकि अभी सर्वर में अधिक लोड होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। अगले एक दो दिनों में यह समस्या खत्म हो जाएगी। पटना जिले में 47,12,626 मतदाता हैं, जिसमें से 24,73,576 पुरुष तथा 22,38,881 महिला मतदाता हैं। इसमें से 905 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। मतदाता सूची को ऑनलाइन कर दिया गया है। नई वेबसाइट के जरिए लोग अपने वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी का मतदाता पहचान पत्र नहीं मिला है और मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है तो ऐसे लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बिहार पुलिस के 18 जांबाज अधिकारियों और जवानों को मिला राष्ट्रपति पदक। बिहार पुलिस के 18 अधिकारी और जवान राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले पुलिस वीरता पदक, विशिष्ट और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किए गए। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सोमवार को गृह मंत्रालय द्वारा पदक से सम्मानित होने वाले पुलिस कर्मियों के नामों की सूची जारी कर दी गई है। इन दफे बिहार के 5 पुलिस कर्मियों की उनकी वीरता के लिए गैलेट्रिक से अनुकृत किया गया। डीजीपी एसके सिंघम ने राष्ट्रपति पदक से सम्मानित होने वाले सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की है। 30 जनवरी तक जूनियर स्कूल खोलने पर फैसला। मुख्य सचिव बोले, सर्दी कम होने का किया जा रहा है इंतजार। 30 जनवरी को हो सकते हैं आपदा प्रबंधन समूह की बैठक। प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल फरवरी महीने में खुल सकते हैं। राज्य में पड़ती कड़ाके की ठंड, सर्दी को देखते हुए फिलहाल जूनियर स्कूल खोलने का फैसला स्थगित रखा गया है। 30 जनवरी को राज्य आपदा समूह की बैठक संभावित है, जिसमें फरवरी महीने में किस तारीख से स्कूल खोले जाएंगे इस पर सहमति बनाई जाएगी। यह जानकारी मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सोमवार को मीडिया को दी। मुख्य सचिव ने बताया कि पहले 25 फरवरी को जूनियर स्कूल खोलने के मुद्दे पर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक प्रस्तावित थी, परंतु राज्य में पहले वाली भीषण ठंड को देखते हुए बैठक अगले सप्ताह करने का निर्णय लिया गया है। संभावित रूप से बैठक 30 जनवरी को हो सकती है। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगों के लिए 5% आरक्षण। सरकार ने राज्य के अधीन सेवाओं में बहाली में दिव्यांगों को 4% और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में 5% आरक्षण की व्यवस्था की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे संबंधित संकल्प जारी कर शिक्षा विभाग को भेजा है। विभागीय संकल्प के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थान में दिव्यांगों के नामांकन के लिए तत्काल प्रभाव से 5% आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों, राजकीय लोक उपक्रमों, निगमों, आयोगों और बोर्डों के सभी प्रकार के पदों एवं सेवाओं को रिक्तियों के नियोजन में दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण प्रभावी किया गया है। खबरों में आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।